हेलो गाइस, आज के स्नैपडील पर मैं आप सभी को नवरात्रि के लिए कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग करने को सिखाने वाला हूँ, वो भी पिक्सआर्ट ऐप की मदद से। गाइस, इस तरह से फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा, ताकि आप कुछ इस तरह से अपने फोटो को बिल्कुल अच्छे से आप एडिटिंग कर सकते हैं। गाइस, हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह से फोटो एडिटिंग करने का वीडियो लाते रहता हूँ। गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद आपको इस शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड सिंपली आपके वहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। एंड ऐड कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो गाइस, इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपके यहाँ से राइट की ओर से कुछ इस तरह से आपको स्क्रॉल कर लेना है एंड आपको यहाँ से इस ऐड फोटो पे क्लिक कर लेना है। एंड ऐड फोटो पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से सिंपली अपने फाइल पे चले आना है। एंड आपको अपने फाइल पे चले आने के बाद आपके यहाँ से मॉडल, अपने मॉडल या अपने मॉडल का PNG को आपको सेलेक्ट कर लेना है। गाइस, मैं इस मॉडल का PNG को सेलेक्ट कर लूंगा एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ से राइट की ओर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, इस मॉडल का बैकग्राउंड को मैं पहले से रिमूव करके रखा हूँ। तो गाइस, आपके यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो इसके लिए मैं फुल ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, उसके बाद आपके यहाँ से अपने मॉडल को एडजस्ट कर लेने के बाद आपको फिर से इस ऐड फोटो पर क्लिक कर लेना है एंड ऐड फोटो पर क्लिक कर लेने के बाद आपके यहाँ से फिर से हम कुछ PNG सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस, अभी हम इस मॉडल का PNG को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड इस मॉडल का PNG को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। कुछ इस तरह से एंड उसके बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है एंड अगेन आपको इस ऐड फोटो पे क्लिक कर लेना है एंड क्लिक कर लेने के बाद आपके यहाँ से हम इस तिलक का PNG को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड सिंपली आपको इसका ब्लेंडिंग पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से मल्टीप्लाई पर क्लिक कर लेना है। देन आपको अपने फ़ोटो को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है एंड तिलक का PNG को आपके यहाँ से बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से एंड आपके यहाँ से इस लेयर पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से अपने सेकेंड मॉडल पे कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट यहाँ पे कर लेना है। कुछ इस तरह से एंड उसके बाद आपके यहाँ से डन कर लेना है एंड अगेन आपको इस ऐड फोटो पे क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से फिर से अपने PNG को हम सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस, अभी हम इस PNG को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड आपके यहाँ से फिल रोटेट पे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है एंड आपके यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड इसका साइज को कुछ इस तरह से आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है एंड आपके यहाँ से इसका ब्लेंडिंग पे चले जाना है एंड आपके यहाँ से स्क्रीन पे कर लेना है एंड आपके यहाँ से इस ऐड फोटो पे फिर से हम क्लिक कर लेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से हम इस PNG को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो गाइस, हम फिर से इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे एंड आपके यहाँ से फिर से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका साइज को कुछ इस तरह से आपके यहाँ से इनक्रीज कर लेना है कुछ इस तरह से एंड इसके बाद आपको इसका ओपेसिटी पे चले जाना है एंड इसका ओपेसिटी आपको यहाँ से 91 के आसपास रख लेना है एंड आपको इस इरेजर आइकन को सेलेक्ट कर लेना है एंड आपके यहाँ से इरेजर को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका हार्डनेस को आपको 100 कर लेना है एंड आपके यहाँ से इस भाग को आपके यहाँ से इरेज कर लेना है एंड सिंपली आपको यहाँ से डन कर लेना है एंड आपको यहाँ से भी डन कर लेना है।
एंड उसके बाद आपको फिर से 60 फोटो पर हम क्लिक कर लेंगे। एंड क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से इस PNG को सेलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली ऐड कर लेना है। एंड इस PNG को आपको यहाँ से नीचे की ओर कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से एंड आपको यहाँ से डन कर लेना है। सो गाइस हम इस फोटो को सेव कर लेंगे एंड सेव कर लेने के बाद आपको इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन पे हम ऐड कर लेंगे। सो गाइस चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर। तो गाइस फाइनली हम लाइटरूम एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। तो गाइस आपका आने के बाद आपको इस सेल्स फोटो पे क्लिक कर लेना है एंड हम पहला से अपने लाइटरूम एप्लीकेशन पे प्रीसेट ऐड कर चुके हैं। तो गाइस आपको यहाँ से इस प्रीसेट को सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से इस 3 डॉट आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड आपको यहाँ से कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर लेना है एंड आपको यहाँ से इस आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड आपको यहाँ से बैक आ जाना है। देन आपको यहाँ से इस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको इस 3 डॉट पे फिर से क्लिक कर लेना है एंड आपको यहाँ से पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद आपके यहाँ से मिक्स टूल पे चले जाना है एंड मिक्स टूल पे चले जाने के बाद आपके यहाँ से इस ऑरेंज कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका सेचुरेशन को आपके यहाँ से -36 के आसपास रख लेना है एंड आपके यहाँ से लुमिनस को इंक्रीज कर लेना है। एंड इसके बाद आपके यहाँ से इस रेड कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका भी सेचुरेशन को यहाँ से इंक्रीज हम कर लेंगे। देन आपको यहाँ से डन कर लेना है एंड इस फोटो को सेव करने के लिए आपको इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको यहाँ से ओके कर लेना है। तो गाइस हम कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग कर चुके हैं। तो गाइस मैं इस प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ सब डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।